और वहीं जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प 2024 उत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर दिया कुमारी इस कार्यक्रम में मौजूद आपको नजर आ रही हैं। जोधपुर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है, बजट भी बढ़ा है। जहां 2013 के अंदर कृषि का बजट था, वो कृषि का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ था। आज का कृषि का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि लगभग 5.5-6 गुना वृद्धि की गई है। किसान सम्मान निधि का पैसा है वही हो जाता है लगभग 60,000 करोड़ रुपए। तो आज लगभग 10-11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। राजस्थान की सरकार ने तो और अपने घोषणा पत्र में कह दिया, संकल्प पत्र में, कि राजस्थान में अगर सरकार आई तो हम 6,000 रुपए भारत सरकार देती है, 6,000 रुपए राजस्थान की सरकार भी देगी। तो वो भी आपको जल्दी मिलने वाला, 6 की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे किसान सम्मान निधि में। तो बजट का जिस तरह से बढ़ाने का काम किया गया है, और उसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्पादन में किसानों की मेहनत से और जो नई तकनीकी, आज हमारे यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं कादरी के, तो इनको पता है कि किस तरह से हमने नई नई वैरायटी का इजाद किया किसान को सपोर्ट के तौर पर। यूपीए की जब सरकार थी 2009 से 2014 तक जो वैरायटियां आई, 9 से 14 तक जो टोटल नई वैरायटी आई वो सिर्फ 1115 वैरायटी थी। क्रॉप कैलाश चौधरी को सुन रहे थे। और आप खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि मुंबई के विधान भवन में 2 दिवसीय यानी कि 24वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तस्वीरों में दिख भी रहा है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगवानी की, और इस दौरान ओम बिरला को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन होगा और संसदीय संस्थाओं के कामकाज पर और विधानसभाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने पर मंथन होगा। तो मुंबई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही विधानसभा स्पीकर राजस्थान के वासुदेव देवनानी भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।